रियलिटी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना के एक विधायक ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों से कथित तौर पर मारपीट की है। टोल प्लाजा का गेट ना खुलने पर यह मारपीट की गई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है इस मामले में। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीआरएस के ये नेता हैं जो कि टोल प्लाजा में कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट करते हैं क्योंकि टोल प्लाजा का गेट नहीं खोला गया। सौमित मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौमित, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टोल प्लाजा पर कुछ हलचल जरूर हुई है और आरोप लगे हैं कि ये तेलंगाना के नेता हैं, एमएलए हैं बीआरएस के, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मारपीट की गई है टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ। आखिर क्या था ये मामला, क्या कह रहे हैं ये एमएलए और अधिकारी? जी बिल्कुल, हम वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली देख सकते हैं कैसा जो कि बीआरएस एमएलए है दुर्गम चिन्नया, ये टोल प्लाजा स्टाफ पे हमला कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी जो कार है इनोवा कार, वो पास कर रही थी टोल प्लाजा, और जब जबकि फर्स्ट गेट जो कि टोल प्लाजा की फर्स्ट गेट है वहां पे इनकी गाड़ी रुकी थी, तो टोल प्लाजा की स्टाफ ने टोल प्लाजा टोल डिमांड करते हुए इनकी गेट नहीं खोला था। उसके बाद इन्होंने खुद उतरा गाड़ी से और वहां पे मारपीट करने की कोशिश की, और जो कि पैनिक से कुछ लोग वहां से भाग भी चुके थे, जो स्टाफ है वहां से भाग भी चुके थे। एक स्टाफ वहां पे खड़ा हुए देख सकते हैं, और उनको मारने की भी कोशिश किया गया था, और लेट उसके बाद और जो है ना वो स्टाफ भी वहां से भाग गया था, और वो जो उन लोगों को अब्यूज करते हुए वहां पे करने के बाद जो कि उनके गनमैन है रिक्वेस्ट करके बताया कि सर आप गाड़ी में बैठ जाइए, यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसके बाद में जो कि टोल गेट ओपन होने के बाद वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, वहां से निकल चुके हैं। तो इस पूरे मामले पे पुलिस ये कह रही है कि हमें भी वीडियो की जानकारी है, हम भी सोशल मीडिया में वीडियो देख चुके हैं, मगर अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट हमें मिला नहीं, और जबकि ऑफिशियल कंप्लेंट मिल जाएगा तो हम एक्शन भी जरूर लेंगे। जी बिल्कुल, तो पुलिस इंतजार कर रही है कि इसमें कोई ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और